कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो भाई कल हमने अपने चैनल पे की थी 11th क्लास की स्नैपशॉट, उसका सेकंड लेसन की समरी करी थी कल हमने। आज हम उसी सेकंड लेसन द एड्रेस के एमसीक्यूज करेंगे। जिसने भी कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ वो पहले कल वाली वीडियो समरी की देख लें, ताकि लेसन की पूरी जो स्टोरी है वो समझ आ जाए और एमसीक्यूज करने में कोई दिक्कत ना आए। और आज वाली वीडियो में हम इसके करेंगे एमसीक्यूज। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। मैं पिंकी कौशिक आप सभी का आपके अपने चैनल लर्न विद पिंकी कौशिक पर स्वागत करती हूँ। तो चलिए फिर हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर रीडिंग द एड्रेस हाउ वुड यू डिस्क्राइब मिसिज डोरलिंग। जो ये मिसिज डोरलिंग है, लेसन पढ़ने के बाद आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो मतलब ये कैसी औरत थी, ये पूछा गया है इसमें। तो चलिए इसके ऑप्शन देखते हैं। ये मैटेरियलिस्टिक थी, सेल्फिश थी, ऑप्शन सी है अपॉर्चुनिस्ट थी, और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव। तो जो ये मिसिज डोरलिंग थी, ये सच में मैटेरियलिस्टिक भी थी, ये सेल्फिश भी थी और अपॉर्चुनिस्ट भी थी। अपॉर्चुनिस्ट इसको इसलिए भी कहेंगे हम, क्योंकि जब जो हमारी ऑथर है उसकी फैमिली को युद्ध के दौरान वो जो पोलैंड को छोड़ के जाना पड़ा, तो उनका सारा सामान वो रख लेती हैं कि भाई मेरे पास तुम्हारा सामान सारा सेफ रहेगा। तो ऐसे हम उसको सेल्फिश और अपॉर्चुनिस्ट भी कहेंगे और मैटेरियलिस्ट भी। तो हमारा ऑप्शन डी से ही हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलिए हम हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन टोटल हाउ मैनी टाइम्स डिड द ऑथर विजिट द गिवन एड्रेस। भाई जो एड्रेस ऑथर की माँ ने उनको दिया था, तो उस एड्रेस पर जो हमारी ऑथर है वो कितनी बार विजिट करती है? तो वो एड्रेस किसका था? मिसिज डोरलिंग के हाउस का। तो मिसिज डोरलिंग के घर कितने बार जाती हैं ऑथर? ऑप्शन दे रखे हैं ट्वाइस, वंस, थ्राइस या फिर नेवर। तो ऑथर है वो दो बार जाती है मिसिज डोरलिंग के घर, ठीक है, ट्वाइस। ऑप्शन ए से ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑथर हैड कम टू विजिट मिसिज डोरलिंग डैश द वार। जो ऑथर हैं वो मिसिज डोरलिंग के घर कब जाती हैं? ड्यूरिंग द वार, बिफोर द वार, आफ्टर द वार या फिर नॉट मेंशन इन द स्टोरी। भाई स्टोरी में ही मेंशन नहीं किया गया है, तो भाई स्टोरी में मेंशन किया गया है जो ऑथर हैं वो आफ्टर द वॉर जाती हैं मिसिज डोरलिंग के घर, युद्ध के बाद जाती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी से ही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एट द एंड व्हाट डज द ऑथर डिसाइड। अंत में या फिर आखिर में जो ऑथर हैं वो क्या डिसाइड करती हैं? तो चलिए हम पहले ऑप्शन को देखते हैं। टू फॉरगेट द एड्रेस, भी एड्रेस को भूल जाने का। टू विजिट नेक्स्ट ईयर अगेन, दोबारा नेक्स्ट ईयर फिर से विजिट करने की। टू रिमेंबर द एड्रेस फॉर एवर, हमेशा उस एड्रेस को रिमेंबर रखने के, या नन ऑफ द अबो, या इनमें से कोई भी नहीं। तो जब लास्ट में है तो वो ऑथर डिसाइड करती हैं कि भाई जितना मैं इन चीज़ों की तरफ बढ़ूंगी, इनको अपने पास रखूंगी या इनको लेके जाऊंगी, तो उतना ही मैं अपनी फैमिली की यादों में, फैमिली की याद मुझे आती रहेंगी और वो मेरे लिए उतनी ही कष्टदायी होंगी। तो वो किस चीज़ का फैसला करती हैं? वो उन चीज़ों को भूलने का फैसला करती हैं, उस एड्रेस को। तो टू फॉरगेट द एड्रेस, हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द ऑथर लीव मिसिज डोरलिंग इन ए हरी। जो मिसिज डोरलिंग के घर ऑथर गई हुई है, तो भी वो जल्दी से वहाँ से उनका घर क्यों छोड़ देती है, यानी जल्दी क्यों जाना है उन्हें? ऑप्शन देखिए, बिकॉज शी वॉज गेटिंग लेट फॉर द ट्रेन, क्योंकि वो ट्रेन के लिए लेट हो रही थी। बिकॉज शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू स्टे हेयर, ज़्यादा समय के लिए वहाँ रुकना नहीं चाहती थी। बोथ ए एंड बी, और डी दे रखा है नन ऑफ द अबव।
तो ये दोनों ही रीज़न है कि भाई वो वहाँ की चीज़ों को देखकर अपनी फैमिली की उसको याद आ रही थी और वो उसके लिए असहनीय भी होती जा रही थी। ऊपर से वो सारा घर था वो ऐसे बिखरा हुआ था, चीज़ों को बिल्कुल भी मतलब मैनेज करके नहीं रखा हुआ था कि भाई कौन सी चीज़ को कहाँ रखना है। तो ये सब चीज़ें भी उसके लिए कष्टदायी हो रही थी और उनकी ट्रेन भी छूट रही थी। तो ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमारा, बोथ ए एंड बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हेन डू वी नोटिस द थिंग्स इन द हाउस। भी ऑथर के अकॉर्डिंग हम घर में चीज़ों को कब नोटिस करते हैं? तो ये तो एक हम सब के लिए क्वेश्चन है, हम चीज़ों को कब नोटिस करते हैं। चलिए आइए एक बार इसके ऑप्शन देख लेते हैं। व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट, जब वो हमारी नज़रों से दूर हो जाती हैं। व्हेन दे आर यूज्ड, जब उनका यूज़ किया जाता है। या व्हेन दे आर सोन, जब उन्हें दिखाया जाता है। या ऑल ऑफ द अबव, भाई ये सभी। तो मोस्टली हमारे घर में कोई चीज़ें रखी होती हैं तो वो हम इतना नोटिस ही नहीं करते उनको, लेकिन जब वो चीज़ वहाँ से उठ जाती है ना, तो वो खालीपन है ना, वो एकदम से हमारी नज़रों को खटकता है कि भाई यहाँ पे कोई चीज़ थी और ये चीज़ थी वो कहाँ गई। तो जब चीज़ हमारी नज़रों से दूर हो जाती है ना, तब हम उस चीज़ को नोटिस करते हैं। तो हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा यहाँ पर, व्हेन दे आर आउट ऑफ आवर साइट। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हाट कंडीशन डिड द ऑथर फाइंड द लिविंग रूम। जो मिसिज डोरलिंग के घर में लिविंग रूम है, तो ऑथर उसको किस कंडीशन में पाती हैं? हैव चेयर में, वेल अरेंज्ड, सी है एम्प्टी, या डी है ऑल फैशन्ड। तो जब हमारी ऑथर वहाँ जाती हैं मिस डोरलिंग के घर, तो वो देखती हैं कि जो उनका घर है वो बिल्कुल बिखरा हुआ है, वेल मैनेज्ड नहीं है, अच्छे से उनको अरेंज नहीं किया गया है चीज़ों को, कोई चीज़ कहाँ रखी है, कोई कैसे रखी है। तो कैसी है वो, एक हम कहेंगे कि भाई बेढंग से सारी चीज़ों को रख रखा है उसने। ठीक है, तो क्या आएगा इसका ऑप्शन ए, हैप्चर्ड। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वॉज इन ए रूम आई न्यू एंड डिड नॉट नो, वट डज ऑथर मीन बाई दिस। कि भाई जब मैं वहाँ रूम में थी तो मैं जानती भी थी और नहीं भी जानती थी, इन चीज़ इसका क्या मतलब है? ऑप्शन देखिए एक बार इसके, सी वॉज फैमिलियर थिंग्स बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स। कि भाई वो चीज़ों से तो फैमिलियर थी बट जो सराउंडिंग्स थी उनसे अनफैमिलियर थी। ऑप्शन बी है, सी वॉज अनफैमिलियर थिंग्स बट इन फैमिलियर सराउंडिंग्स। भाई वो चीज़ों से अनफैमिलियर थी, यानी कि चीज़ें उसको परिचित नहीं लगती थी, या जो उसके चारों तरफ का जो एनवायरनमेंट था, जो उसकी सराउंडिंग्स थी वो उसको फैमिलियर लगती थी। ऑप्शन सी है, सी डिड नॉट रिकॉग्नाइज द थिंग्स। सी सा, भी उसने उन चीज़ों को जिनको देखा उन्हें वो पहचान नहीं पा रही थी, पहचानती नहीं थी। सी डिड नॉट वॉन्ट टू रिमेंबर एनीथिंग, वो कुछ भी याद नहीं करना चाहती थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, हमारा यहाँ पे ऑप्शन ए से ही हो जाएगा, सी वॉज फैमिलियर थिंग्स। भाई चीज़ों से तो वो फैमिलियर थी जो वहाँ पे थी, क्योंकि वो चीज़ें उन्हीं की थी, उसकी माँ से रिलेटेड, उसके घर से रिलेटेड सारी चीज़ें थी, तो उन चीज़ों से तो वो फैमिलियर थी। बट इन अनफैमिलियर सराउंडिंग्स, पर जो चारों तरफ की जो वो सराउंडिंग्स थी, ठीक है, उससे वो अनफैमिलियर थी। हमारा ऑप्शन ए से ही हो जाएगा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनलाइक मिसिस डोरलिंग हर डॉटर वॉज डैश टुवार्ड्स द ऑथर। जो जब सेकेंड टाइम ऑथर मिसिस डोरलिंग के घर जाती हैं, तो उनकी डॉटर का उनके प्रति कैसा व्यवहार था? तो क्या उन्होंने उसके साथ रूड बिहेव किया, मैच्योर, या हॉस्पिटेबल, या मीन? तो क्योंकि वो लड़की अनजान थी, वो तो उनको जानती ही नहीं थी, वो तो एज ए गेस्ट उनके लिए थी, तो उन्होंने उसके साथ हॉस्पिटेबली बिहेव किया था। ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई हैड द ऑथर कम टू विजिट मिसिस डोरलिंग। भाई मिसिस डोरलिंग के घर ऑथर क्यों जाते हैं, उनके घर विजिट क्यों किया उन्होंने? तो आइए एक बार ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, बिकॉज मिसिस डोरलिंग हैड बिलोंगिंग्स ऑफ ऑथर्स मदर। भाई उसके पास मिसिस डोरलिंग के पास उसकी माँ की वस्तुएं थी, सामान था, इसलिए उसके घर जाती हैं। सेकंड है, बिकॉज मिसिस डोरलिंग कॉल्ड हर, मिसिस डोरलिंग ने उन्हें बुलाया था। सी है, बिकॉज सी मिस्ड, मिसिस डोरलिंग
भी ऑथर है वो मिसिज डोरलिंग को मिस कर रही थी इसलिए उसके घर गई थी। डी है नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑथर हैं वो मिसिज डोरलिंग के घर इसीलिए जाती हैं, इसीलिए वहाँ विजिट करती हैं क्योंकि उसकी माँ की जो बिलोंगिंग्स थी, जो सामान था, वो उन चीज़ों को वहाँ लेने जाती हैं कि भाई मिसिज डोरलिंग के पास मेरी माँ का सामान है और उसमें वापस ले कर आती हूँ, इसलिए वो वहाँ उनके घर विजिट करती हैं। तो हमारा ऑप्शन ए सी हो जाएगा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब मिसिज डोरलिंग व्हेन शी सॉ हर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग द वॉर। भी जो ऑथर है वो मिसिज डोरलिंग को कैसे डिस्क्राइब करती हैं जब वो पहली बार उन्होंने उसको ड्यूरिंग द वॉर देखा था। ड्यूरिंग द वॉर कब देखा था? जब वो अचानक से उनके घर आ जाती है और उसकी माँ उसको उसका इंट्रोडक्शन भाई उसके ऐसे कराती है कि भाई ये हमारी नॉन है और हम इसको अपना मतलब हमारा सामान ये अपने घर पर सेफ रखेगी। जब वो उनके घर सामान लेने आती है और ऑथर की मदर उसे इंट्रोड्यूस कराती हैं, उससे उसका इंट्रोडक्शन देती हैं कि भाई ये हमारी परिचित हैं, हमारी नॉन हैं और ये हमारे सामान को सेफ रखेंगी, तब का कुछ है। तो तब के बारे में ऑथर जो उनको डिस्क्राइब करती है, उनका वर्णन करती है, वो कैसे करती है? ए वूमेन विद ए ब्रॉड बैक, ए वूमेन विद ए राउंड बैक, ए वूमेन विद ए स्ट्रेट बैक या नन ऑफ द अबो, इनमें से कोई नहीं। तो ऑथर ने तब उन्हें कहा है ए वूमेन विद ए ब्रॉड बैक, ठीक है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा हमारा यहाँ पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिसिज डोरलिंग टुक द पोजेशंस ऑफ द थिंग्स ऑन द प्रीटेंस ऑफ। जो मिसिज डोरलिंग है वो जो ऑथर के घर से चीज़ें लाई थी उन पे अपने अधिकार कैसे जमाती है, ठीक है, यूजिंग देम उन्हें यूज करके, सेलिंग देम उन्हें बेच कर, कीप देम सेफ उन्हें सेफ रख कर, बोथ ए एंड बी या फिर ए और बी दोनों। तो जो ये मिसिज डोरलिंग है जब ये सामान लेके आती है तो उनके घर से तो ये यही कहती है कि भाई मैं इनको सेफ रखूँगी, मेरे घर पर तुम्हारा सामान है वो बिल्कुल सेफ रहेगा। तो कीपिंग देम सेफ, ऑप्शन सी से ही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब द लिविंग रूम ऑफ द एड्रेस। तो द एड्रेस में जो ऑथर है उसने लिविंग रूम को कैसे डिस्क्राइब किया है, जो उसकी कंडीशन थी वो कैसी थी? ऑप्शन देखिए, लविश, बी दे रखा है मगी स्मेल, सी है वेल अरेंज्ड और डी है पैथेटिक। भाई वो अच्छा भव्य था, साफ सुथर था, या मगी स्मेल थी वहाँ पे, या वेल अरेंज्ड था, या फिर पैथेटिक भी बिखरा हुआ था, दयनीय हालत में था। तो जब वो जाती हैं तो वो देखती हैं कि जो वो लिविंग रूम है वो कैसा था, वो मगी स्मेल था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज़ द प्रोटेगोनिस्ट ऑफ द एड्रेस। जो द एड्रेस हमारा लेसन है उसकी प्रोटेगोनिस्ट कौन है? मिसिज डोरलिंग्स डॉटर, मिसिज डोरलिंग की जो बेटी है वो, ऑप्शन बी है मिसिज डोरलिंग या फिर मिसिज डोरलिंग खुद, सी है मिसिज एस और डी है मिसिज एस डॉटर, ये मिसिज एस की डॉटर। जो हमारी ऑथर हैं वो कौन है? वो मिसिज एस की डॉटर है, ठीक है। तो प्रोटेगोनिस्ट भी यही हैं, ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, मिसिज एस डॉटर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड जिंगलिंग। जिंगलिंग जो वर्ड है इसका मीनिंग क्या है? ऑप्शन देखिए, स्क्रीमिंग साउंड, साउंड ऑफ ब्रेकिंग, मेटेलिक सिंगिंग साउंड और डी है साउंड ऑफ फॉलिंग। तो जिंगलिंग्स, आपने वो सेंटा वाली पोएम भी सुनी होगी, जिंगल बेल्स जिंगल बेल्स जिंगल्स ऑन द वे। आई होप कि आपने सर सुनी भी होगी जिंगल बेल। बेल कैसी होती है? बेल हम इसका मीनिंग ऐसे भी निकाल सकते हैं, जो बेल है जो घंटी होती है वो कैसे होती है? मेटल की होती है, ठीक है। तो मेटेलिक सिंगिंग साउंड, जिंगलिंग वर्ड का मीनिंग क्या है? मेटेलिक सिंगिंग साउंड, ठीक है। तो ऑप्शन सी सी हो जाएगा हमारा यहाँ पर। तो हमारे ये क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो गए हैं।
आई होप कि ये सभी MCQs आप सबको समझ आ गए होंगे और आप सबके लिए बेनिफिशियल हों। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखा करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करें। जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।